टाटा की नेक्सोन ईवी बहुत बिक रही है, लाइक बहुत हद से ज्यादा, बट पर्सनली मुझे कभी इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगी बिकॉज ऑफ द लुक्स। एंड 8 सितंबर को ये हुआ। टाटा नेक्सोन ईवी का फेसलिफ्ट, जो फेसलिफ्ट से काफी ज्यादा है, डिजाइन में बहुत तगड़ा चेंज हुआ है, लाइक बहुत ही ज्यादा तगड़ा, दूर से पता लगता है कि ईवी है। एंड आगे एंड पीछे की कनेक्टेड डीआरएल से पता लगता है भाई बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लुक आई है। एंड आगे वाले कनेक्टेड डीआरएल से चार्जिंग का भी पता लगता है। सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बहुत ज्यादा तगड़े चेंजेस है। अंदर से भी बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक कर दिया, काफी कम कर दिए चीजें, मिनिमलिस्टिक लुक जिसे मैं बोलूंगा, एंड बहुत अच्छी भी। 12 इंच की स्क्रीन में अब आप 365 डेज से लेके द फैमिली मैन तक देख सकते हो, मेरा मतलब नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम। एंड अंदर से सारे बटन्स वगैरह खत्म कर दिए, एंड सभी जगह आपको मिल रहा है टच। इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, अब बात करते हैं स्पेक्स में क्या चेंज हो रहा है। टॉप स्पीड जो 140 kmph की अब 150 kmph हो गई है, एंड रेंज में भी थोड़े थोड़े चेंजेस आए। लॉन्ग वेरियंट में 353 किलोमीटर थी, अब हो गई 365, एंड स्टैंडर्ड वेरियंट में 312 से 325। एंड अब इसमें आ गया व्हीकल टू व्हीकल एंड व्हीकल टू लोड वाला फीचर, जो बहुत ज्यादा गजब है। मतलब आप किसी और इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हो व्हीकल टू व्हीकल, एंड व्हीकल टू लोड मतलब आप मिक्सर ग्राइंडर जैसी कोई भी चीज चला सकते हो। तो अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ आप इसे कहां पे लेके जाके अपने मिक्सर ग्राइंडर में चीजें बनाओगे, कमेंट करो जल्दी जल्दी।